श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एकादशी की तिथि कब से कब तक है, 17 जून को या 18 जून को कब व्रत रखना है, कब उपवास रखना है, कब आपको उपाय करना है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही दो उपायों की जानकारी भी देंगे जिसे आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, एकादशी जो कि निर्जला एकादशी है, तिथि कब से कब तक है। तो निर्जला एकादशी की तिथि जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि होती है, जो कि 17 जून सोमवार के दिन प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और उस दिन सूर्योदय 5:23 का है। और वही ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का जो समापन है, जो तिथि पूर्ण होगी, वह 18 जून मंगलवार को सुबह 7:24 में होगी और उस दिन भी सूर्योदय का जो समय है वह 5:23 का रहने वाला है। ऐसे में दोनों दिन ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी की तिथि है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि हम व्रत कब रखें, तो हम आपको बता दें कि आप द्वादशी तिथि जो कि 18 जून को सुबह 7:24 से शुरू होगी, जो कि 19 जून को 7:28 को पूर्ण होगी। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत अगर आपको रखना है तो आप 18 जून को ही रखना सही होगा और इसका पारण आप 19 जून को द्वादशी तिथि के समापन के समय सुबह 7:28 के पूर्व कर लेना है। आप फिर से समझ लीजिए, आपको पारण कब करना है, सुबह 7:28 के पहले 19 जून को, और व्रत रखना है आपको 18 जून को। अब हम आपको कुछ शुभ मुहूर्त बता देते हैं। अगर आप शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के समय के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शिव योग और स्वाति नक्षत्र भी है। और 18 जून को लाभ उन्नति मुहूर्त जो है वह सुबह 10:38 से दोपहर के 12:22 तक है, और चर सामान्य मुहूर्त जो है वह 8:53 से सुबह के 10:38 तक है। और हम आपको बता दें, यह समय भारत के अन्य बड़ी बड़ी सिटियों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, 10 से 15 मिनट का अंतर देखा जा सकता है। अब आपके सारे डाउट्स आशंकाएं क्लियर हो गई होंगी कि आपको एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 18 जून को व्रत रख सकते हैं। और अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे उपाय आप 17 जून और 18 जून दोनों तिथियों को कर सकते हैं। अब कौन से सरल उपाय कर सकते हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। पहला उपाय है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एकादशी का सबसे अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय, जिसे करने के लिए आपको 7 बेलपत्र और गंगा जल की आवश्यकता होती है। गंगा जल आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास अगर थोड़ी सी मात्रा में है तो अपने घर का जल ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दीजिए। अगर थोड़ा सा भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने घर का ही जल का उपयोग करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भर लेना है और इसमें आपको 7 बेलपत्र को डाल देना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूरा जल नंदी के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद कलश के अंदर की एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, 7 बार एक एक करके बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप भोलेनाथ से हाथ जोड़कर मनोकामना कर सकते हैं, धन प्राप्ति की हो, चाहे लक्ष्मी वृद्धि की हो, या नौकरी प्राप्ति की हो, या फिर व्यापार वृद्धि की हो, कोई भी कामना आप कर सकते हैं। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों न चुक गया हो, यह विशेष उपाय आप 4 से 5 एकादशी कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आप एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एकादशी की तिथि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करने के बाद आपको वहीं पर 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। अगर आप स्वधा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप 3 बार स्वधा 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 भी बोल रहे हैं तो भी पर्याप्त है, बस इतना ही करना होता है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप पानी का पात्र रखते हैं, पानी के पात्र के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और वहाँ पर भी आप स्वधा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर स्वधा 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 ऐसे 3 बार बोल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।